2001 को जामिया मिलिया इस्लामिया के साके हॉस्टल में किसी दीवार पे कोई चस्पा स्टिकर किसी पुलिस कांस्टेबल को मिला। उसने उसको दीवार से उखाड़ करके, क्योंकि उसके एक गोशे में सिमी लिखा हुआ था, तो उसने सिमी के खिलाफ अननोन करके FIR दर्ज कर दिया। उस स्टिकर में था कि तीन मस्जिदों के फ़ोटो थे, महीद अक्सा, महीद बाबरी, महीद करतबा, और नीचे एक आयत फ़रानी लिखी हुई थी कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घरों में अल्लाह के जिक्र से रोक दे। ये स्टिकर था। और जब हम 27 सितंबर 2001 को अरेस्ट हुए तो अक्टूबर 2001 में वो केस हमारे हमसे जोड़ दिया गया, यानी वो स्टिकर शाहिद बदर लगा रहा था। अब केस ये बन गया कि शाहिद बदर फलाही जो सिमी का उस टाइम सदर था, उसने जामिया मिलिया इस्लामिया SR के हॉस्टल में ये स्पीकर पेस्ट किया, इसको फला फार्मा देखा, यानी कुछ पब्लिक से भी उन्होंने गवाह पेश किए और चार्जेज लगाए 124A, 153A, 153B, 505 IPC के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया हमारे खिलाफ। और वो केस चला, गवाह पेश हुए, वकील ने बहस की, सारी कुछ चीज़ें सुनने और देखने के बाद आज जज ने हमको 3 बजे CMM संजय खनकवाल उसने हमको आज 22 बरी किया। इस पूरे अरसे में एक ऐसे इल्ज़ाम में जो हमने किया नहीं था, एक स्पीकर को चस्पा करने का हम भी इल्ज़ाम लगाया झूठा, और इतने साल लग गए। इस केस की वजह से हम 27 सितंबर 2001 से 7 अप्रैल 2004 तक हम जेल में रहे, और उसके बाद मुसलसल तारीखों पे आना जाना, अपने कारोबार छोड़ करके अपनी चीज़ों को मुतासर करके ये दौड़ भाग होती रही, और आज ये मरहला आया कि हम इसमें बरी हुए। हम इसको अधूरा इंसाफ मानते हैं। हम तो बेकसूर थे ही, एक बेकसूर को अदालत ने बेकसूर ठहराया, लेकिन उन कसूरवारों को कब सज़ा मिलेगी जिन्होंने झूठा हमें फंसाया। तो अब इसकी यानी इसकी रोशनी में आप देखेंगे कि अदालत इसको अदल और इंसाफ कैसे कहा जा सकता है, जिसमें बेकसूर को ही बरी किया गया, लेकिन जिसने हमको फंसाया था, जिसने हमारे इतने माहों साल बर्बाद किए, जिसने हमें इतनी सारी अजियतों से गुजारा, जब तक उनको उनकी तादीब नहीं होती, उन पर लगाम नहीं कसी आती, तब तक इसको मुकम्मल इंसाफ नहीं कहा जा सकता। रहा मामला हाशिमपुरा के उस पूरे केस में, जो लोग जो मुजरिमीन थे वो सब के सब बरी करार पाए, और जो मजलूमीन थे उनके उनके जो इंसाफ पे ये यकीन था अदालत पे, उनका खून हुआ। हम इनको ये मानते हैं कि इस पूरे निज़ाम में ऐसा लगता है कि इतना महंगा इंसाफ है कि वहाँ तक जाते जाते पहुँचते पहुँचते कमर झुक जाती है और सारे वसाइल जवाब दे आते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलता। हम तो बेकसूर थे, हमें उम्मीद थी अल्लाह के दर से कि ये सारे हरबे और सारी परेशानियों के बाद भी यकीनन हमें इंसाफ मिलेगा। हम अल्लाह के दर से पर उम्मीद थे, और ये भी है कि तवक्कुल इसका नाम नहीं है कि हम अल्लाह पे भरोसा करें और अपने ज़िम्मे जो हमारी कोशिश है हम न करें, बल्कि हदीस में तलखीन ये है कि आकिल हा फतवक्कल अल्लाह, ऊँट को रस्सी से बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यानी जितनी मुमकिन कोशिशें हमें करनी चाहिए, हमने किया, हमने किया जो अपने मुमकिन कोशिशें हैं वो करी, उसका वो करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करना है। तो हमने यही पाया, और हम ही समझते हैं कि तमाम तर नाइंसाफियों के बाद भी, तमाम तर नाखतियों के बाद भी, हमें अपनी तरफ से जो ऊँट को रस्सी से बांधने वाली बात कही गई है, अटमोस्ट एफर्ट्स, जितनी मुमकिन कोशिशें हों वो करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमने यही किया और हमको इंसाफ। दिल्ली में हम 4 केस में हमारे ऊपर लगाए गए थे, 4 केसेस, कहीं तकरीर के, कहीं स्टिकर पेस्ट करने के, कहीं आर्टिकल लिखने के, कहीं नारे लगाने के, एक एक करके हम 3 में बरी हो गए, 1 केस अभी बाकी है। इसके अलावा 1 केस हमारे ऊपर गोरखपुर में है कि हम वहाँ भी बहुत भड़काऊ भाषण दे रहे थे, और 1 केस हम पे आजमगढ़ में है जो 2000 में हम पे लगाया गया था कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिससे दंगा भड़क सकता था और आज तक नहीं भड़का,
तो वो केस भी हमने बाकी है। इस्लामी मूवमेंट ऑफ इंडिया तलबा और दिन थी, हम अखलाक और किरदार साजी के लिए कोशां थे। और एक ऐसा हादसा हुआ 9/11 का वाकया, और यहाँ इंडिया गवर्नमेंट थी, उसने अमेरिका की खुशनूदी में सिमी पे बैन लगा दिया। चूँकि एक बार बैन लग गया था तो दोबारा बैन लगा दिया, चूँकि दो बार बैन लग चुके थे तो तीसरी बार बैन लगा दिया, लेकिन झूठी बुनियादों पर इंडिया गवर्नमेंट ने हम पे बैन लगाया था। फिर हुकूमत चेंज हुई, कांग्रेस आई, तो कांग्रेस ने उस झूठ को पर लगा दिया और उसको और मजबूत कर दिया। चूंकि तीन बार बैन लग चुके थे, चौथी बार लग गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जैसे गीता मित्तल ने हमको अन्य सारे केसेस में बैन को हटा दिया, सिमी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन हुकूमती धांधली देखिए कि 16 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ हिस्से ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इंसाफ का खून कर दिया कि हमारी बात सुने बगैर, जबकि हमारे सपोर्ट में एक हाई कोर्ट जज का फैसला था, हमारी बात सुने बगैर, हमारे वकील को मौका दिए बगैर, खुद हमारे वहाँ पहुँचे तो पहुँचने से पहले उसने स्टे कर दिया। और फिर स्टे करके आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम पे एक फ्रेश बैन लग गया। हम इस पूरी लीगल फाइट को सुप्रीम कोर्ट में जारी रखे हुए हैं, लेकिन इन तमाम तर नाइंसाफियों से हमारा दिल जख्मी है। मामला ये है कि ये एक कौल अलग है, अमल अलग है, और कौल और अमल का तजाद हर सतह पे हर आदमी दे सकता है। एक तरफ जुबान से ये कहना, एक तरफ किसी भी मौके पर ये इसको चांस को मिस नहीं करते। नौजवानों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, जुल्म जारी है, और ये बात इनकी जुबान से इसका ये अलापते भी हैं, जारी भी हैं। तो ये तो बस एक कौल है जो कर रहे हैं, और एक अमल है। यहाँ के लोगों का, नौजवानों का कभी से कोई लेना नहीं था, कभी से नहीं था। और ये बात ये मान लेने के बाद भी झूठा फंसाने का अमल कांग्रेस में भी, उससे पहले एनडीए में भी, अब मोदी सरकार में रुका नहीं है। कभी से ताल्लुक नहीं था यहाँ के नौजवानों का, इन सब से कोई ताल्लुक था नहीं, ये कहने के बाद भी लोगों को फंसाते जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। यहाँ का पूरा निज़ाम जो है FBI और मोसाद के अंडर प्रेशर जारी है। अदालतों में लोगों को झूठा फंसाने का मामला, उनको शदीद तरीन अजियत दे करके उनसे हवाले जुर्म कराने का मामला, ये सब चीज़ें जो है ये FBI और मोसाद के अंडर प्रेशर, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी उसी उसूलों पे अमल किया था, और उसी अंदाज को ये भी उसको आगे बढ़ाते हैं। बस आवाम को खुश करने के लिए, एक आवाम को एक अलग मैसेज देने के लिए सब बातें हैं, वरना अमल में सारा का सारा उनका इसमें बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट है। इसको यूं ना देखें, बल्कि ये देखा जाए साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, कर्नल पुरोहित हो, या उस पूरे लिंक ने जो मक्का में ब्लास्ट किया, अजमेर में धमाका किया, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया, कि जिसकी पूरी असमानन ने इसका एक्सेप्ट किया था, उसको इग्नोर करके फौरन से शक की सुई मुसलमानों की तरफ मरकूज करना, ये पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस का भी उसूल था, इनका भी है। हमारा मानना यह है कि आतंकवाद के नाम पर एक आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। उसने हेमंत करकरे की जो चार्जशीट है, जो चीज़ें उसने ओपन की थी, जो और जो शवाहद उसने पेश किए थे, उसकी रोशनी में इंक्वायरी नहीं हो रही है, उसकी रोशनी में मामले को प्रोसीड नहीं किया रहा है। एक तरफा खाली शक किसी मुसलमानों की तरफ घुमाई जा रही है। हमारा मानना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे उसका नाम से जाहिर वो मुसलमान दिखे, या नाम से वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असमानंद हो, इन सब पे जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफा सारी चीज़ों को इग्नोर करके शक की सुई सिर्फ एक तरफ बढ़ा देना,
और ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसा करता है, ये शुरू से गलत था, आज भी गलत है, कल भी गलत रहेगा इस अंदाज में करना। दो तीन अलग असलाहत हैं, फंडामेंटलिस्ट होना, टेररिस्ट होना और इसको दहशतगर्द होने की जो बातें हैं, तो फंडामेंटलिस्ट कोई गाली नहीं है। हम इस्लाम कुछ उसूल और बुनियादें रखता है, जो सख्ती से उन उसूलों और बुनियादों पे कारबंद हो, वो उन बुनियादों को पे अमल करने वाले को अगर दुनिया फंडामेंटलिस्ट कहती है, भाई कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारे, कुछ उसूल हैं, कुछ बुनियाद हैं, उस पर हम कायम हैं। इस्लाम में कोई दो तफरीक नहीं हो सकती, खुद खुलू फिसल में काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उसमें ना तो कोई फंडामेंटलिस्ट हो सकता है और ना ही कोई जो है दूसरी कोई सलाह हो सकती है। मुसलमान मुसलमान है, कुछ उसूल और बुनियाद है जो कुरान की रोशनी में तय है, उसी को मुसलमान मानता है। अगर दुनिया ऐसा करने वालों को बुनियाद परस्त कहती है तो हम बुनियाद परस्त हैं, हमारी बुनियादें हैं, उस पर हम कायम हैं, उस पर रहेंगे। अगर ये कोई गाली समझता है तो गाली समझता है, इसको उसमें उस जैद में नहीं लाना चाहिए। रहा मामला दहशतगर्दी का, तो दहशतगर्द चाहे जो नाम रखता हो, खा उसका नाम जो है शाहिद बद्र हो, खा उसका नाम कर्नल पुरोहित हो, खा उसका नाम साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, खा उसका नाम असमानंद हो, उसको उसके लिहाज सजा मिलनी चाहिए। इस इम्कान को कैसे कोई रख सकता है, इतने बड़े मुल्क में कोई नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। इतने बड़े मुल्क में डाकू भी हैं, बदमाश भी हैं, चोर भी हैं, दुनिया भर के लोग हैं, कुछ इस तरह के भी लोग होंगे, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित या अभिनव भारत सनातन संस्था की वजह से आपने उन पर बैन नहीं किया कि कुछ लोग अगर अभिनव भारत के लोग ऐसा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी संगठन ऐसा करती है। कुछ लोग सनातन संस्था के लोग बिल्कुल रगे हाथ में पकड़े गए, उस नाम पर आपने उनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं किया, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पूरी संगठन ऐसी नहीं हो सकती। तो फिर ये मामला हमारे साथ क्यों नहीं है कि कोई नौजवान कहीं भी कोई पकड़ा जाता है और आपको लगा कि नहीं उसमें इन्वॉल्व था, तो उसके नाम पे पूरी मुस्लिम उम्मत को, उसके नाम पे उस तंजीम को बैन किया जाना, ये कहां का इंसाफ है। देखिए हाशिमपुरा का पूरा मामला तो कांग्रेस का था, कांग्रेस को मैं आज भी सबसे नुकसानदेह, सबसे खतरनाक, सबसे अदम मुस्लिम दुश्मन पार्टी समझता हूं। उनकी पॉलिसियों की वजह से मुसलमान वहाँ पहुँच चुका है जहाँ सचर कमेटी आपको शो कर रही है कि आप यहाँ खड़े हैं। इस हाशिमपुरा का अगर एक एग्जांपल आप लें तो वो पीएससी के लोगों ने जिन्होंने बेदर्दी से उन मासूमों को शहीद कर दिया, उनका कत्ल खून किया, इस मामले में कांग्रेस का पूरा किरदार इंतहाई बहिमाना, इंतहाई शर्मनाक है इस मामले में। फिर उसके बाद उन मुल्जिमीन को बचाने के मामले में, चाहे समाजवादी हुकूमत रही हो, चाहे बीएसपी हुकूमत रही हो, उन सारे मुल्जिमीन को जो है उनकी प्रमोशन हुए, उनके आगे उनको सर्विसेज का मौका दिया गया, कहीं पे लगा नहीं कि एक किसी शनि फेल के मुजरिम हैं, इन सब ने उनको बढ़ावा दिया। तो इसमें तो हमको, हमारे सामने एक आईना है सबके लिए, हाशिमपुरा की रोशनी में हम देखें कौन कितना सिकुलर है।